स्वागत समारोह भी था तो मैं उसी कार्यक्रम में आया था और मुख्य रूप से बहन का जन्मदिन मनाया गया और उनके जन्मदिन के अवसर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से संगठन को क्रियाशील करने के लिए, संगठन को मजबूत बनाने के लिए दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को किया और साथ ही साथ सक्रिय सदस्यता अभियान पूरी ताकत से चल रहा है। गठन की प्रक्रिया भी पूरी तरह से शुरुआत करने का निर्देश दे दिया गया है। जो उसके बाद एक अहम बिंदु यह था कि ये पता चला कि अभी एक घटना आप लोगों के संज्ञान में घटना घट गई छत्तीसगढ़ में और हमारे तमाम सेना के जवान शहीद हुए नक्सलियों के द्वारा। उस मामले में हम लोगों ने 2 मिनट का मौन रख कर उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया कि श्रद्धांजलि हो उन शहीदों को उत्पन्न करें। इसी सारे बिंदुओं के द्वारा जब आए थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूर्व मजबूत ताकत के साथ, जैसे आज कोई कहता है कि पूर्वांचल में अपना दल बहुत मजबूत है, अब अपना दल सोनेलाल पश्चिमांचल में भी पूरी ताकत के साथ मजबूती के रूप में दिखेगा और बहुत जल्द ही आप सारे साथियों को भी दिखाई देगा। तो ये आगे जो कार्य कार्यकारिणी है आपकी यहाँ की, इन लोगों के लिए अलग से आपने क्या क्या उद्देश्य दिए कि हाँ कि आपको ये करना है? और देखिए अभी हमारी कार्यकारिणी फिलहाल जो है वर्तमान में वो कार्यवाहक कार्यकारिणी है, चुनाव के बाद कार्यकारिणी कार्यकारिणी ठीक है, लेकिन हमारे सारे जिलाध्यक्ष कार्यवाहक जिलाध्यक्ष के रूप में बने हैं, वो सारे कार्यक्रम देखते रहेंगे। हम तब तक सक्रिय सत्ता अभियान चलाते हुए सब ये सेटल कर रहे हैं और 2 जुलाई के बाद संपूर्ण कार्यकारिणी की घोषणा हो जाएगी। तब तक ये सारे लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, हमने इनको निर्देश दिया कि तब तक आप सक्रिय सदस्यता अभियान चलाइए, अच्छे लोगों को छाटिए, सरकार की गतिविधियों पर निगाह रखिए, कहीं कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय ना हो, कोई बात हो, हम सारे लोग हैं। थैंक यू। मजबूत बना करके हम अपनी सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। कोशिश ही रहेगी या बननी ही भी है? नहीं, बिल्कुल बनाएंगे। सन 2022 के चुनाव में सीएम बनाना है। तो कौन सा आपका कौन सा नारा है वो एक बार लगा दें बस। अपना दल जिंदाबाद। जोर से अपना दल अनुप्रिया पटेल। अपना दल जिंदाबाद। अनुप्रिया पटेल। प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए हैं, जिला अध्यक्ष के हिसाब से आपको क्या क्या निर्देश मिले कि हाँ हमें अपनी पार्टी को किस तरीके से कार्यदल बनाना है? हमें पार्टी को आज नहीं, पहले से ही हमें जो निर्देश मिले हैं डॉक्टर साहब ने, जिन कमीरों के, किसानों के, मजदूरों के, उनके उत्थान के लिए, 90% कमीरे समाज के उत्थान के लिए इस दल को बनाया था, इस देश की व्यवस्था को परिवर्तित करने का, देश की व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए, उन्हीं के निर्देशों पर आज बहन अनुप्रिया पटेल जी जो कि मतलब सांसद हैं और मैं समझता हूँ एक अलग ही विचारधारा की सांसद हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनका आज जन्मदिन है, 36वां जन्मदिन है। तो ये हम सभी कार्यकर्ताओं ने अपने स्तर से
हर जिला स्तर पर उनके जन्मदिन को मनाया है और इसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में फिर हमारे जो अभी नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेंद्र प्रसाद पाल जी नियुक्त हुए हैं, तो हमने कहा ठीक है उनको यहाँ बुला लेते हैं। उनकी गर्मामयी उपस्थिति में बहुत सारे हमारे साथियों ने, नए लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया है, पार्टी की विचारधारा के बारे में बात हुई है, उनके बारे में बताया है कि अब हमारी पार्टी आगे से जिस तरह से पूर्वांचल में पार्टी मजबूत स्थिति में, इसी तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी अपना दल का अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा।